अनसेंसर डायरेक्टर ने माइक मेरे हवाले किया है, मैंने कभी विश्राम को सेट पे इतना नर्वस नहीं देखा जितना आज देख रहा हूँ। ये सेट पे हमको नर्वस करता था। ऑल आई कैन से इज दैट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा एक रोल मिलेगा। और मैंने अभी मन में मैं तय कर रहा था कि मुझे फिल्मों में वापस आना है, मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे अंदर का जो एक क्रिएटिव अर्ज थी मेरे अंदर, वो बार बार मुझसे ये कह रही थी पुकार पुकार के कि भाई आप फिर से काम करो। और मैं सोच रहा था अगर मैं शुरू करूँगा तो कौन से रोल से शुरू करूँगा। मैंने इंडस्ट्री को बताया भी नहीं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। और सडनली ऐसा मुझे लगा जैसे विश्राम ने मेरी आवाज़ सुन ली और इसका फ़ोन मुझे आया और उसने कहा कि मैंने एक रोल लिखा है, आपको नज़र में रख के एक रोल लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने। तो मुझे ऐसे लगा कि ये यू नो भगवान ने मुझे मेरी आवाज़ सुनी और किसी को मेरे पास भेज रहा है, तो मुझे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे स्क्रिप्ट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना था मैंने, विश्राम सावंत। और जब विश्राम ने मुझे आके स्क्रिप्ट सुनाई और रोल सुनाया, मुझे इतना पसंद आया रोल, हालांकि बहुत ग्रे रोल है लेकिन इतना शेड्स हैं कैरेक्टर, बहुत सारे शेड्स हैं कैरेक्टर में, मुझे रोल बहुत पसंद आया और इमीडिएटली मैंने यस कर दिया, मैंने सोचा ठीक है। और बाद में मुझे पता चला कि विश्राम इज द वन हु हैड डायरेक्टेड डी, और इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा बेटा जो कि 15 साल का है, कुछ दो दिन पहले विश्राम के मिलने से पहले वो मेरे रूम में एक डीवीडी रख के गया डी फिल्म का, और उसने कहा डैड मैंने ये फिल्म देखी है, प्लीज सी दिस फिल्म, जो वो कभी नहीं कहता कि ये फिल्म देखो, कहता मुझे इतनी पसंद आई है एंड आई वुड लाइक यू टू सी दिस। और मैंने ये फिल्म देखी नहीं थी डी जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, और बाद में मुझे याद आया कि भाई मेरे बेटे ने कहा कि ये फिल्म देखो, तो फिर स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने फिल्म देखी डी और मुझे डी भी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, द वे ही ट्रीटेड द होल फिल्म, आई रियली लव्ड इट। एंड ऑल आई कैन से टुडे इज दैट आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन, कि आई एग्रीड टू डू रिस्क एज अ फिल्म टू कम बैक इन टू फिल्म अगेन। आई वुड नेवर से आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड कम बैक, बिकॉज मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं अपने जहन में कि मैंने फिल्में छोड़ दी हैं। आई वेंट इन टू पॉलिटिक्स, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी बींग अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, बींग इन पॉलिटिक्स, बट एट द सेम टाइम टूडे आई फील दैट आई वुड कीप वर्किंग, आई वुड लाइक टू कीप वर्किंग इन फिल्म्स, एज एन वेन आई गेट गुड रोल्स आई वुड लव टू कीप वर्किंग इन फिल्म्स। एंड आई विश विश्राम ऑल द वेरी बेस्ट, आई थिंक बहुत अच्छा काम किया एज ए डायरेक्टर इसने, बहुत अच्छा एक उसका द वे ही हैज हैंडल द फिल्म एंड हैंडल ऑल द एक्टर्स। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी मन का मीत, उसके बाद ये पहली फिल्म है जिसमें मैंने किसी एक्टर के साथ पहले काम नहीं किया था। जितने एक्टर्स हैं यहाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एक न्यू कमर हूँ, कि आई एम अ न्यू कमर बिकॉज आई एम वर्किंग विद पीपल आई हैव नेवर वर्क्ड विद बिफोर, आई हैव नॉट इवन मेट देम, मैं उनसे मिला भी नहीं था, और मेरी मुलाकात उनसे सिर्फ सेट पे हुई थी, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि इट्स नॉट दैट पीपल हु आर वर्किंग एवरी डे वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स, दे हैव वर्क्ड विद एवरी एक्टर, बट आई नेवर वर्क्ड विद एनी वन ऑफ देम। एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन डिलाइटेड टू मीट देम, टू वर्क विद देम, to experience their talent, all of them that I had scenes with, some of them I didn't have any scenes. All the best, and I hope this film, the audience loves it,
and all you people love it. Thank you very much.